यू नो आपकी फ्रेंड अंकिता लोखंडे शो में है, उनके पति हैं शो में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना फॉलो किया आपने शो को? देखे मैंने एपिसोड्स और अच्छा लग रहा है बहुत। एंड विक्की अंकिता बेस्ट ऑफ लक, यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल, एंड जीत के आना। एंड अंकिता नखरे कम कर, और विक्की यू आर अ स्वीट हार्ट, आई एम श्योर यू विल विन इट, और तू संभाल के जो कश्ती है ले आएगा। बट आई डोंट नो एंड में क्या होगा, जब तुम दोनों बचोगे सिर्फ तो कैसे लड़ने वाले हो? नहीं, एंड में अगर ये दोनों बचेंगे तो आई एम श्योर विक्की बोलेगा यही ट्रॉफी है मेरी, तो तू ही जीत के आ, तू ही ट्रॉफी भी रख। शो में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अंकिता और विक्की के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, बिकॉज अंकिता को ऐसा लग रहा है विक्की उसे अटेंशन नहीं दे रहा है। गेम खेल रहे हैं दोनों, एक्टिंग कर रहे हैं ये दोनों, एक दूसरे को बहुत अटेंशन दे के आए हैं, सब सीख के आए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर दे आर जस्ट एंजॉयिंग एंड हैविंग फन इन बिग बॉस। ओके, शो में जाने से पहले अंकिता से कुछ आपकी बात हुई थी शो से रिलेटेड समझी, क्योंकि शो पवित्रिष्ठा शो में आपने काम किया है साथ में, बस पता चला था कि हुई है, बेस्ट ऑफ लक बोल दिया था, दैट्स इट। अगर यू नो बात करें बिग बॉस के बारे में, इस सीजन को कितना फॉलो कर रहे हैं और कौन सबसे एंटरटेनिंग लग रहा है आपको शो में? मेरे को जिग्ना जी, ऑफ कोर्स जिग्ना जी का जो एक जर्नी दिखाई और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है सबको, लड़कों और लड़कियों को, दोनों को बोलूँगा। एंड एंटरटेनिंग आई थिंक सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं यार, दे हैव टेकन अ वेरी गुड कास्ट, मिक्स ऑफ पीपल फ्रॉम टेलीविजन एंड ओटीटी एंड यू नो यूट्यूबर्स डिजिटल दिस थिंग। बट मुनावर ऑलरेडी जीत चुका है ऐसा एक लॉकअप, ऐसा एक फॉर्मेट, सो आई एम श्योर ही विल स्लोली ओपन अप। वो अपना अभिषेक अच्छा लड़ता है वो, मतलब ही ट्राइंग टू कॉपी पीपल, बट धीरे धीरे ही काम, मतलब धीरे धीरे होता है ना, एक दो हफ्ते के बाद तुम अपना पूरा हो, पहले तो तुम प्लानिंग करके आए होते हो, वो सब प्लानिंग 4-5 दिन में छट जाती है, तो उसके बाद रियल लोग जब जितने होंगे वो निकल जाएंगे। बट मुझे लग रहा है ये वाला सीजन भी बहुत अच्छा और हिट जाएगा एज ऑल द अदर सीजंस। ओके, बाकी कंटेस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो ऐश्वर्या शर्मा और यू नो नील भट्ट भी शो में हैं। हाँ करेक्ट, आई डोंट नो देम पर्सनली, और शो में भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे थे अभी यार, आई थिंक उनको एक थोड़ा सा वार्निंग या एक एडवाइस मिल गई है बिग बॉस से कि कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, तो आई होप कि मजा आए उनको देखने में अब। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? थैंक यू फॉर वॉचिंग आर शो बातें कुछ अनकही सी, विच इज़ अ 9 PM स्टार प्लस, प्लीज़ कीप वॉचिंग। अगर आप मिस करते हो एपिसोड तो प्लीज़ वॉच इट ऑन हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार, और मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार दें जैसा आपने हर कैरेक्टर को दिया है। एंड सो नाइस टू टॉक टू टेलीबाइट्स ऑलवेज, थैंक यू। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।